यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। अवंतिका यादव और आप देख रहे हैं देश की आवाज। हरियाणा में चुनावी माहौल तैयार हो गया है और इसी बीच कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश में बदलाव के संकेत दिए हैं। हालांकि अभी तक खुलकर बात सामने नहीं आई है, लेकिन हरियाणा के नेताओं की दिल्ली दरबार में बढ़ती हाजिरी से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी अब हरकत में आ गए हैं। जानकारों की माने तो हरियाणा में अगर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव होता है तो लिस्ट में दो महिलाओं समेत तीन दलित नेताओं के नाम शामिल हो सकते हैं। इनमें से दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल है और साथ ही हरियाणा में हाईकमान किसी भी तरह से कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। हरियाणा में चुनावी माहौल को देखते हुए जिस प्रकार से सभी नेता अपने अपने इलाकों में एक्टिव हो चुके हैं, उसी को देखते हुए हाईकमान भी अब फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। माना जा रहा है कि हरियाणा में अगर प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाता है तो राज्यसभा सांसद कुमारी सैलजा और हुड्डा गुट की तरफ से पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल लिस्ट में सबसे आगे हैं। इसके अलावा उदयभान का नाम भी शामिल है। इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर हरियाणा में कार्यभार संभाले हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हुड्डा खेमे के नेता लगातार हाईकमान से मिलकर अध्यक्ष बदलने की मांग कर रहे हैं। हुड्डा गुट के लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदारी सौंपने की मांग कर रहे हैं। तो हरियाणा कांग्रेस में बदलाव की बात कही जा रही है। जल्द ही इस हरियाणा कांग्रेस में बदलाव हो सकता है। अध्यक्ष पद जो है वो किसी और के हाथ में जा सकता है, अध्यक्ष बदला जा सकता है, और इसीलिए आज जो सवाल पूछे जा रहे हैं देश के आवाज के इस माध्यम से, उन सवालों पर एक बार नजर डालते हैं। खबरें अभी तक देश के आवाज कार्यक्रम के माध्यम से जो सवाल पूछ रहा है उन सवालों पर अब एक नजर डालते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बदलना चाहिए। हरियाणा में 2019 की तैयारियां जोरों पर हैं और इसी के चलते ये बदलाव की बात अब कही जा रही है, लेकिन सवाल यह भी कि क्या जिस तरह से टूटती जा रही है कांग्रेस उससे राहत मिलेगी, क्या हरियाणा में जो है गुटबाजी खत्म हो गई, हरियाणा में चुनावी माहौल चूंकि तैयार हो गया है, हरियाणा कांग्रेस में बदलाव हो सकता है, ये बात कही जा रही है जो सूत्रों के हवाले से मिल पा रही है। हालांकि खुलकर तस्वीर सामने नहीं आई है। आलाकमान ने प्रदेश कांग्रेस में बदलाव के संकेत दिए हैं और इसके अलावा लिस्ट में दो महिलाओं समेत तीन दलित शामिल हैं। और हमारे साथ भगवान जुड़ गए हैं फोन लाइन पर कैथल से। स्वागत है आपका भगवान, बात रखिए अपनी। भगवान जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी आवाज जी, बात रखिए अपनी, नमस्कार। हाँ जी हेलो जी भगवान जी बोलिए। हाँ जी मैम जी नमस्कार जी, मैं कलाय से बोल रहा हूँ जी। जी बोलिए। हाँ जी हेलो, आवाज मिल रही है आपको भगवान जी? हाँ जी आवाज है। हाँ जी जी बोलिए आप जी। हाँ जी मैं कलाय से बोल रहा हूँ, श्री भगवान नैनवाई जी बोलिए जी। मैं हाँ जी अपने टीवी की आवाज कम कर ली भगवान, आप उसके बाद में बात करें। हाँ जी गीता भुक्कल के समर्थन में जी। गीता भुक्कल के समर्थन में आप, बहुत शुक्रिया बात रखने के लिए। हाँ जी गीता भुक्कल के समर्थन में उसको प्रधान बनाया जाए जी। चलिए बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए भगवान हमारे साथ इस कार्यक्रम में। तो बाकी दर्शक भी जुड़ सकते हैं, फोन लाइंस जो है आपके लिए खोल दी गई हैं। ज्यादा से ज्यादा फोन करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़िए, अपनी आवाज उठाएं, बात रखें और हमें बताएं आप किसको प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहते हैं कांग्रेस में हरियाणा में, और साथ ही कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष आप कौन चाहते हैं, कौन बने। अभी अशोक तंवर का मान संभाले हुए हैं, लेकिन जो संकेत दिए जा रहे हैं जो मिल रहे हैं वो यही कि बदलाव जो है जल्द होने वाला है। गीता भुक्कल और कुमारी सैलजा जो कि राज्यसभा सांसद हैं उनके नाम इसमें आगे चल रहे हैं। दिनेश हमारे साथ नरवारा से फोन लाइन पर, अगले दर्शक स्वागत है आपका दिनेश, बात रखिए अपनी। नमस्ते जी। जी नमस्ते। ऐसा है जी, जी 1987 के अंदर कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं रहा था जी, जी। चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला को बनाया गया था कांग्रेस का प्रधान जी, और 3-4 साल उसने बहुत तगड़ा काम किया। जब बिल्कुल कांग्रेस नहीं होगी ना भाई सत्ता में आएगी, उसी टाइम उनको बदल गया चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को बना दिया गया था जी। अब तंवर साहब ने कांग्रेस बिल्कुल जीरो हो चुकी थी 2014 के अंदर, तंवर ने इस कांग्रेस को सीट सीट करके आज उस स्टेज पे जाया खड़ा कर दिया कि कांग्रेस का नाम जनता में आ जा के ये भी एक मुख्यमंत्री की लाइन में है।
लेकिन ये मरोड़े लग रहे हैं जी लोग आके कहते मुख्यमंत्री बन जाए। ये शैलजा जी मैं पूछना चाहता हूँ, ये चुनाव छोड़कर भाग गई थी जी राज्यसभा में जाकर के, चार पांच साल ही बहस करी रही भैया कहा कि ना मैं बनूंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने काम किया उसका हक उसको मिलना चाहिए। और बुक्कल को और इंद को दूसरे को तो कोई जानता ही नहीं हरियाणा के अंदर। चलिए बहुत शुक्रिया दिनेश अपनी बात रखने के लिए। तो दिनेश कहते हैं कि अशोक तंवर जो है वो बेहतरीन तरीके से कांग्रेस को आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हीं के पास कमान जो है रहनी चाहिए। तो हरियाणा कांग्रेस में हालांकि बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, कौन हो सकता है अगला प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा कांग्रेस का, ये बड़ा सवाल है। आप किसे देखना चाहते हैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हरियाणा में कांग्रेस में, आप जरूर हमें बताएं, फोन कीजिए। ज्यादा से ज्यादा नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और इन नंबर्स को देखकर आप ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ फोन करके हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। देश की आवाज का ये कार्यक्रम आपके लिए है, फोन लाइन आपके लिए खोल दी गई है। तो ज्यादा से ज्यादा फोन कीजिए, जुड़िए हमारे साथ इस कार्यक्रम में। सवाल ये कि क्या हरियाणा कांग्रेस में बदलाव होना चाहिए और अगर होता है तो क्या इससे हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति जो है वो मजबूत हो पाएगी। परमवीर हमारे साथ हैं अगले दर्शक फोन लाइन पर, स्वागत है आपका, बात रखिए अपनी। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार मैडम, मैं तो आपका है ना रेगुलर जो है सुनता हूँ आपका प्रोग्राम जी, अपनी राय भी रखता हूँ जी। अब ये वर्कर जो है कोई की अभी तो ये कांग्रेस में ये कुछ नए चेहरे आएंगे, इस बात की क्या गारंटी है कि ये जो है जब बनेंगे इनको मंत्री बना दिया जाएगा, कि क्या गारंटी है मैडम ये दूसरी पार्टी में नहीं चले जाएंगे। हमारे पानीपत से जो एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ये पहले ही नैलो में थे, जैसे ही इन्होंने कुछ दिखा लालच दिखा तो बीजेपी के मंत्री बने हुए हैं। सब मंत्री सब इस देश में मैडम केवल मंत्री बनना आसान है। हमारे युवा इनको चाहिए तो ये विपक्ष को कि युवाओं की आवाज को उठाएं, इतने युवा बेरोजगार बैठे हैं। आज ही हरियाणा सरकार ने एक नोटिस डाला है, अखबार में भी आया हुआ है जी, कि हरियाणा के जिन स्कूल में बच्चों की संख्या कम है उनको दूसरे स्कूल में टीचर को शिफ्ट कर दिया जाएगा, स्कूल को बंद किया जा रहा है, हजारों की संख्या में स्कूल बंद हो चुके हैं, क्यों नहीं ये टीचर लगा रहे हैं जी। चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ रेगुलर दर्शक है हमारे परमवीर, जिन्होंने फोन करके अपनी राय रखी। हमारे साथ रमेश है अगले दर्शक फोन लाइन पर हरिद्वार से, स्वागत है आपका रमेश, बात रखिए अपने। रमेश आवाज मिल रही है आपको? रमेश अपनी टीवी की आवाज कम कर ली और फिर अपनी बात रखिए जो आप कहना चाहते हैं। चलिए रमेश बोलना नहीं चाहते हैं, अपना नाम जो है उन्होंने सुना। हालांकि बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से आप जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़िए इस कार्यक्रम में। देश की आवाज का ये मंच आप ही के लिए है, फोन लाइन आपके लिए खुली हुई है। ज्यादा से ज्यादा फोन करके आप हमारे साथ जुड़िए इस कार्यक्रम में, अपनी आवाज उठाएं, बात रखिए और बताएं आप किसको हरियाणा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहते हैं और अगर ये बदलाव होता है, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष होगा उसमें बदलाव संभव है, बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, और अगर ऐसा होता है, अगर बदलाव होता है तो आपको क्या लगता है कि कितना जो है बदलाव कांग्रेस की मौजूदा स्थिति में हो सकता है इससे। ललित हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर, स्वागत है आपका ललित, बात रखिए अपने। हाँ जी जी ललित, हेलो हेलो जी ललित, आवाज मिल रही है आपको? नहीं मैं ललित नहीं, दलित चौहान बोल रहे होंगे। कौन बोल रहे हैं आप? हेलो दलित चौहान, दलित चौहान जी बोलिए। संदीप जी सर ऐसा है, ये गीता बुक्कल को तो कोई हरियाणा में जानता ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष या तो यही रहना चाहिए, बल्कि बहुत बढ़िया होगा, नहीं तो फिर अपना शैलजा को बना दिया जाए। अगर अशोक तंवर में कोई कमी महसूस आती है, इससे बढ़िया तो कोई अध्यक्ष मिलता ही नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो इनसे बढ़िया अध्यक्ष नहीं हो सकता है, अशोक तंवर से बढ़िया नहीं हो सकता, ये उनकी राय है। परसीम हमारे साथ अंबाला से अगले दर्शक फोन लाइन पर, स्वागत है आपका, बात रखिए अपनी। तो जी बात रखिए अपनी। हाँ मैडम, मेरे गांव में ना एक सरपंच ने गांव की जो फिरनी होती है ना वो बनाई है, और वो बिल्कुल सीधे से बना दिया, हमने सीएम इंटो पे भी लगाई है, हर जगह कंप्लेंट कर ली, डीसी ने मना की, लेकिन अब वीडियो ने और सरपंच ने मिली भगत करके जबरदस्ती बना दिया उसको, और कोई सुनवाई नहीं हो रही, सीएम विंडो से भी सुनवाई नहीं हुई है। एक मिनट मैडम, एक तरफ तो सरकार कहती है नजायज कब्जे के, नजायज कब्जे फिरने तो लोगों का करवा दिया, दूसरी साइड लोगों के नंबर के जो फ्लैट में फिरने बना दी जी। चलिए सीएम विंडो पर इसकी शिकायत आप कीजिए, अगर एक बार नहीं हो रहा है तो इसको लेकर आगे जो है अधिकारियों तक भी आप जाइए। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। श्याम हमारे साथ नरवाना से फोन लाइन पर अगले दर्शक, स्वागत है आपका, श्याम बात रखिए अपनी। हेलो जी श्याम, बात रखिए अपनी। ऐसा है जी, अगर
ये काम भी अच्छे हो तो बदलाव करने की जरूरत ही क्या है, ये मतलब इनको भाजपा को देखकर इनको बदलाव की जरूरत पड़ी है। अब चाहे शैलजा आए या भुक्कल आए या कोई भी आए, काम तो अब भी हो रहे हैं, ईमानदारी से हो रहे हैं, वो देख के अब बदलाव करना चाहते हैं। ये आप पहले ये ईमानदारी से कर सकते थे क्या, पहले जो थे वो भी तो इंसान ही है। चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। वीर सिंह हमारे साथ जीन से अगले दर्शक, स्वागत है आपका वीर सिंह, बात रखिए अपनी। हाँ जी ऐसा है जी, कांग्रेस पार्टी को भजनलाल परिवार ने उठाया था जी। भजनलाल मरने के बाद कुलदीप बिश्नोई है जैसे जी, उसकी कोई पूछ नहीं रही कांग्रेस में जी। जी हम चाहते हैं जी कुलदीप बिश्नोई को अध्यक्ष बना जाए हरियाणा। चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए वीर सिंह। तो कुलदीप बिश्नोई को अध्यक्ष बनाने की मांग वो कर रहे हैं। हालांकि बाकी दर्शक जो है वो क्या सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा फोन करके अपनी राय हमें दें। फोन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, लगातार फ्लैश हो रहे हैं। हमारे साथ जुड़िए इस कार्यक्रम में, अपनी आवाज उठाएं, बात रखिए और हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस में वाकई में जरूरत जो है महसूस की जा रही है कांग्रेस के अंदर से भी। अगर दर्शक जो है वो नहीं, क्या लगता है कि कांग्रेस की स्थिति में बदलाव करने की जरूरत है, प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाए, और अगर बदलता है प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा कांग्रेस का, तो क्या कांग्रेस की जो मौजूदा स्थिति है उसमें बदलाव हो पाएगा, क्या कांग्रेस हरियाणा में मजबूत हो पाएगी। ज्यादा से ज्यादा फोन करके आप हमें अपनी राय दीजिए और जुड़िए हमारे साथ इस कार्यक्रम में। क्या बदलाव से सुधरेगी कांग्रेस की स्थिति, बड़ा सवाल, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की बातें कही जा रही हैं। कांग्रेस में क्या गुटबाजी से खत्म हो पाएगी, क्योंकि अभी यही बात कही जाती है कि प्रदेश अध्यक्ष को लोगों की ओर से या कांग्रेस के ही नेताओं की ओर से पसंद नहीं किया जा रहा है, इसलिए अलग अलग खेमे जो है बढ़ गए हैं। और अगर प्रदेश अध्यक्ष बदला जाता है तो क्या कांग्रेस में जो अंदरूनी गुटबाजी है वो खत्म हो पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। और आप दर्शक हमारे साथ जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा आप किसे देखना चाहेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, हरियाणा प्रदेश में किसके पास हो हरियाणा में अध्यक्ष की कमान, आप जुड़िए हमारे साथ और अपनी राय रखिए। हमारे साथ कुलदीप है अगले दर्शक फोन लाइन पर दिल्ली से, स्वागत है आपका कुलदीप, बात रखिए अपनी। कुलदीप आवाज मिल रही है आपको, टीवी की आवाज कम कर लें आप। हाँ जी मैडम जी, बात रखिए अपनी। मिल रही है आवाज मैडम? मैडम ये अभी इतना जल्दी क्यों ये कोशिश कर रहे हैं, ये कुलदीप शर्मा जी बोल रहे हैं कि अध्यक्ष बदलना चाहिए, ऐसा क्यों है? जी चलिए सवाल तो वही इसका जवाब दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ दिनेश है फोनलाइन पर अगले दर्शक, स्वागत है आपका दिनेश, बात रखिए अपनी। ये पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए जी पार्टी में प्रजातंत्र लाने की जरूरत है, बदलाव की जो बात चली है, पार्टी को नई दिशा देने के लिए नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं राहुल जी, जी। तो इसमें एनएसएआई और यूथ कांग्रेस को जिंदा करके एक जो है आंतरिक और ओपनली दोनों ही तरह के सर्वे कराया जाना चाहिए, कार्यकर्ताओं को जिस ओर जिसको ज्यादा समर्थन हो, वास्तविक में जो वास्तविक कार्यकर्ता है वो मेंबर भी नहीं है, पहले मेंबर से चला जाए उनसे चुना जाए। वैसे बौद्धिक रूप से मैं समझता हूँ इस यहाँ पर हरियाणा में रणदीप सिंह जी सुरजेवाला को सर्वसम्मत जो है नेता के रूप में भेजना चाहिए, वो यहाँ की स्थिति सुधार सकते हैं और राष्ट्रीय रूप में भी वो बहुत अच्छी पेशकश कर रहे हैं जी। मेरा तो राहुल जी को यही सुझाव है। चलिए बहुत शुक्रिया आपने सुझाव देने के लिए दिनेश। और दिनेश ने यहाँ पर सुझाव दिया रणदीप सुरजेवाला के हाथ में जो है कमान सौंपने चाहिए, ये उनका सुझाव है। और बाकी दर्शक अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप जरूर दे सकते हैं, अपनी कोई राय रखना चाहते हैं तो आप जरूर अपनी राय यहाँ पर रख सकते हैं। राहुल हमारे साथ हैं झज्जर से अगले दर्शक फोन लाइन पर, स्वागत है आपका राहुल, बात रखिए अपनी। जी मैं कहना चाहता हूँ जो अपनी कांग्रेस पार्टी है ये अपनी जो गुटबाजी है उसको खत्म करके जिसको भी बनाना चाहे उसको बना सकते जी। चलिए बहुत शुक्रिया राहुल अपनी बात रखने के लिए। गुटबाजी खत्म करके जो है जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहे उसको बना सकती है, गुटबाजी खत्म होनी महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया। और बाकी दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फोन कीजिए और जुड़िए हमारे साथ इस कार्यक्रम में। देश की आवाज का ये मंच आपके लिए है, फोन लाइन खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा फोन करके आप हमारे साथ अपनी सुझाव यहाँ पर जो है अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी साझा कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं और बताएं हमें कि आपको आप जो है कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर को देखना चाहते हैं हरियाणा में। हरीश हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर, स्वागत है आपका हरीश, बात रखिए अपनी।
चलिए संपर्क टूट गया, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा आप हरीश, और बाकी दर्शक भी जुड़ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा फोन कीजिए, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ज्यादा से ज्यादा फोन कीजिए और जुड़िए हमारे साथ इस कार्यक्रम में। देश के आवाज का ये मंच आप ही के लिए है और आप ही से जुड़ा मुद्दा है कि कांग्रेस में आप प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किसको देखना चाहते हैं हरियाणा में। हमारे साथ जुड़िए, अपनी राय रखिए और साथ ही सवाल ये भी है कि क्या बदलाव से कांग्रेस की स्थिति में सुधार हो पाएगा, और इसके साथ ही कि क्या कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो खत्म हो पाएगी अगर प्रदेश अध्यक्ष बदला जाता है। अभी जो जानकारी मिल पा रही है, जो संकेत मिल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदला जा सकता है, उसमें तीन नेताओं के नाम जो है आगे चल रहे हैं। राम हमारे साथ हिसार से फोन लाइन पर, अगले दर्शक स्वागत है आपका, राम बात रखिए अपनी। हाँ जी, ये गीता बुक्कल को बढ़ाओ जी। जी हाँ जी, गीता बुक्कल को। चलिए बहुत शुक्रिया राम आपका अपनी राय रखने के लिए, गीता भुक्कल के पक्ष में राम है। हरीश हमारे साथ हैं जींद से, अगले दर्शक फोन लाइन पर स्वागत है आपका, हरीश बात रखिए अपनी। हाँ जी, ये अगर कांग्रेस पार्टी को आना है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे करना पड़ेगा जी। चलिए, बगैर हुड्डा के कांग्रेस पार्टी नहीं आएगी, ये सपने में भी भूल जाओ। चलिए बहुत शुक्रिया आपनी बात रखने के लिए हरीश। तो बिना हुड्डा के कांग्रेस पार्टी नहीं आएगी और हुड्डा को जो है आगे करना चाहिए, उनको कमान सौंपनी चाहिए, ये हरीश कहते हैं। बाकी दर्शकों की क्या राय है जरूर साझा कीजिए और फोन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जुड़िए हमारे साथ इस कार्यक्रम में। आपको बता दें कि अभी तक गीता भुक्कल और कुमारी सैलजा जो कि राज्यसभा सांसद हैं सैलजा, उनका नाम जो है सबसे आगे चल रहा है, और इसके अलावा उदय भान का नाम भी लिस्ट में है। तीन दलित नेताओं के जो है तीन दलित नाम जो है इस लिस्ट में है, किसी के भी पास जो है अभी तक जो संकेत है कि इनमें से किसी के पास भी कमान जा सकती है। हालांकि कब बदला जाता है और कौन जो है प्रदेश अध्यक्ष बनता है कांग्रेस का, ये भी देखना है। विजेंद्र है हमारे साथ जींद से, अगले दर्शक स्वागत है आपका, बात रखिए अपनी। हेलो जी विजेंद्र, बात रखिए अपनी। ऐसा मैडम जी, जी हरियाणा में जो कांग्रेस अध्यक्ष के लिए किसी को भी बना दें, लेकिन नीचे स्तर से जो गुटबाजी है उसका समाधान एक ही है, तो इस अध्यक्ष को बदल करके ही इसका समाधान हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए जी। हाँ जी, चलिए दूसरी बात ये है कि पार्टी में एक से प्लेटफॉर्म पर अगर आते हैं सभी नेताओं का जो स्वागत हरियाणा, तो चार ये कि कांग्रेस पार्टी आए, लेकिन गुटबाजी की वजह से थोड़ा नीचे स्तर से कोई तीन चार है जो बताए दिल्ली से, कोई भी बन जाए इनमें से, कोई वर्तमान की जो स्थिति हो कमजोर है जी। चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। गौरव है अम्बाला से हमारे साथ दर्शक फोन लाइन पर, स्वागत है आपका गौरव, बात रखिए अपनी। हाँ जी नमस्कार मैडम जी, नमस्कार तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैडम बात ऐसे है कि हुड्डा साहब ने कांग्रेस को अब तक खून सीने की कमाई से सींचा है, आपने देखा भी होगा 10 साल उन्होंने राज किया, हर तरह से हर कुछ था, उसके बाद बीजेपी लेके आए हम, सारा कुछ खत्म हुआ ठीक है। अब बात चल रही है गुटबाजी की, गुटबाजी कौन कर रहा है, गुटबाजी में शैलजा मैडम जी हैं, शैलजा मैडम जी का क्या वो वहां पे मतलब क्या इस टाइम हरियाणा में वो है जनाधार, आप वो चेक कर लीजिए। तंवर साहब का देख लिए, तंवर साहब के साथ आधे तो दूसरे पार्टी के लग रहे हैं, पर हुड्डा साहब के राजनीतिक का देखिए बिश्नोई साहब साथ हैं, तो हुड्डा साहब बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। हुड्डा जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में कमान जानी चाहिए, ये सोचते हैं। और मदन लाल हमारे साथ हैं सिरसा से, अगले दर्शक फोन लाइन पर स्वागत है आपका, बात रखिए अपनी। मदन लाल आवाज मिल रही है आपको, मदन लाल सुन पा रहे हैं आप? चलिए आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आप जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं। प्रवीण है हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर, लाडवा से स्वागत है आपका प्रवीण, बात रखिए अपनी। हेलो जी प्रवीण जी, मैं सुरजेवाला जी को देखना चाहता हूँ प्रदेश अध्यक्ष जी। चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो सुरजेवाला को जो है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर प्रवीण देखना चाहते हैं, और इसके अलावा जो है कई दर्शक हैं जो चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो बने हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष। कई लोग खुश हैं कि अशोक तंवर ही प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस जो है वो बेहतरीन काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। और आर के कालिया हमारे साथ हैं अम्बाला से दर्शक फोन लाइन पर, आर के कालिया स्वागत है आपका, बात रखिए अपनी। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए मेरा व्यक्तिगत किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं जी, लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं और हमने एक जायजा लिया है, हरियाणा में लोग मन बना चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए, भाजपा की नीतियों से, भाजपा के कानून कायदों से लोग बड़े तंग आ चुके हैं जी,
एक बात मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगा आपको माध्यम से, जब तक इनकी गुटिज्म खत्म नहीं होती, जब तक इनकी गुटबाजी खत्म नहीं होती जी, चाहे कोई भी बने स्टेट, आम आदमी ने कुछ नहीं लेना स्टेट प्रेसिडेंट, कोई बने आम आदमी ने क्या लेना स्टेट प्रेसिडेंट से जी, किसको चाहते हैं प्रदेश अध्यक्ष बने, मैं कहता हूँ कोई भी बने, लेकिन जब तक इनकी गुटबाजी खत्म होनी महत्वपूर्ण है जी। बहुत शुक्रिया आरके कालिया अपनी बात रखने के लिए। तो कोई भी बने प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन गुटबाजी जो है खत्म हो तभी आगे सही कर सकती है कांग्रेस। इंद्रपाल हमारे साथ हैं, अगले दर्शक फोन लाइन पर, स्वागत है आपका इंद्रपाल, बात रखिए अपनी। मैडम मैं तो रणजीत सिंह चौटाला है, ये बने तो सब इकट्ठे हो जाएंगे कांग्रेस सारे, उसमें समर्थन करेंगे। किसको चाहते हैं आप, कौन बने? चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी। चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो हरियाणा कांग्रेस में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदला जा सकता है। रवि फतेहाबाद से फोन लाइन पर हैं, रवि क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हुड्डा की नीतियां हैं, हुड्डा की नीतियां बहुत अच्छी थी हरियाणा के लिए जी। अब देखने वाली बात ये है कि कांग्रेस की नीतियों से बढ़िया पब्लिक को जोड़ कौन सकता है, वो सबसे मेन मुद्दा रहेगा, क्योंकि यहाँ पूरी कांग्रेस की एकदम बिखराव सा आ गया है, गुटबाजी पैदा हो गई है। हाँ। तो इससे इसके मद्देनजर रखते हुए ये देखना पड़ेगा आलाकमान को कि पब्लिक को कांग्रेस की साफ नीतियों से जोड़ कौन सकता है। चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। प्रदीप है झुलाना से, प्रदीप आप क्या कहेंगे? हाँ जी नमस्कार मैडम, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो 10 साल में जनता के लिए, किसान और मेरे वर्ग के लिए जो काम किया, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के अंदर कोई भी बने, लेकिन आगे सीएम की मन चाहूंगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये हमारे किसान के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया प्रदीप अपनी बात रखने के लिए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो चाहते हैं कि हुड्डा जो है वो बने प्रदेश अध्यक्ष, उन्हीं से उम्मीदें हैं। और हालांकि अभी संकेत मिल रहे हैं हरियाणा में कांग्रेस में बदलाव हो सकता है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को बदला जा सकता है, और ऐसे में कमान किसके हाथ में जाएगी ये देखना होगा। हरियाणा में चुनावी माहौल तैयार है, 2019 की तैयारियों में हर एक पार्टी जुटी हुई है, और ऐसे में हरियाणा में जरूरी है कांग्रेस को मजबूत करना। कांग्रेस की स्थिति जिस तरह से जो है बिगड़ती जा रही है, हालांकि बीते दिनों कुलदीप शर्मा पहुंचे थे और उन्होंने जो है मुलाकात करके राहुल गांधी से जो बात कही, उसके बाद से लगातार जो है गुटबाजी की खबरें भी निकलकर सामने आती रही हैं, उस सब को खत्म किए जाने की जरूरत है। बॉबी हमारे साथ है, अगले दर्शक फोन लाइन पर, स्वागत है आपका, बात रखिए अपनी। बॉबी आवाज मिल रही है आपको? आज मिल रही है जी, बात रखिए अपनी। भूपिंदर सिंह हुड्डा के बगैर जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हुड्डा के बगैर नहीं चलेगा जी राज, भूपिंदर हुड्डा के बगैर जी कोई राज नहीं चलेगा कांग्रेस तुम्हें जी। चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए बॉबी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बिना नहीं चल सकती है कांग्रेस। शेर सिंह है हमारे साथ सिरसा से फोन लाइन पर, स्वागत है आपका, बात रखिए अपनी। शेर सिंह आवाज मिल रही है आपको? टीवी की आवाज कम कर लें आप और बात रखिए अपनी। चलिए संपर्क टूट गया है, तो बाकी दर्शक भी जुड़ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फोन करके जुड़िए आप हमारे साथ। सुरेंद्र है सिरसा से फोन लाइन पर, स्वागत है आपका, बात रखिए अपनी। सुरेंद्र आदि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को अध्यक्ष बनना चाहिए जी, पूरी कांग्रेस सही हो जाएगी जी। जी चलिए सुरजेवाला, रणदीप सिंह सुरजेवाला को चाहते हैं कि वो बने हरियाणा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। हालांकि बदलाव की बातें कही जा रही हैं, देखना होगा कि क्या कांग्रेस की स्थिति को इस बदलाव के बाद हरियाणा में जो है सुधर पाएगी कांग्रेस की स्थिति, ये देखना होगा। गुटबाजी खत्म हो गई इस पर भी नजर रहेगी। देश की आवाज में फिलहाल बस इतना ही, आप देखते रहिए खबरें अभी तक, नमस्कार।